अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली कोई भी नई वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशहूर और मारूफ अदाकार का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, इंतहाई अफसोसनाक खबर। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद दक्कन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार रजनीकांत को ब्लड प्रेशर में तेजी से तब्दील होते उतार चढ़ाव के बाइस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 70 साल रजनीकांत हैदराबाद में अपनी नई फिल्म अनाते की शूटिंग में मसरूफ थे। उस दौरान टीम के चार अरकान में कोरोना की तस्दीक होने पर शूटिंग मुअत्तल कर दी गई। भारतीय फिल्म मद्दाओं की दिलों की जान रजनीकांत का टेस्ट भी किया गया जो कि मनफी आया। ताहम अदाकार के ब्लड प्रेशर में तेजी से तब्दीली के बाइस हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अदाकार को 24 घंटे की निगाहदाश्त में रखा गया है ताकि उनके बिगड़ते ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखा जा सके और उसी हिसाब से इलाज किया जाए। वाज़ह रहे कि दुनिया भर में मकबूल तमिल अदाकार रजनीकांत ने 2007 में फिल्म शिवाजी के लिए 26 करोड़ मुआवजा लिया था, जिसके बाद वो एशिया में जैकी चैन के बाद सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार बन गए थे। तो नाज़रीन अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।